निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने में कभी वांछित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। शत्रु अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृष्ण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। दुर्ग मर्ग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मर्ग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और प्रबल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहार्द गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में भी पड़कर आरिष्टि रहित संकट मुक्त हो जाते हैं। अमृत्व सा प्राप्त कर लेते हैं। उनका खाया हुआ आपत्य भी उनके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की बातें उनके हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती है। इस विषय में बहुत से कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो हासिल न की जाए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 32। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इनका अनुष्ठान किया है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि, श्वेत अगस्त्य दधीचि तथा हम सरी के शिव भक्त श्री नंदीश्वर जी, महाकाल, भृंगीश आदि नागेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा अर्चना की तथा इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवतत्व को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से श्री ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व की, श्री विष्णु को विष्णु तत्व की, श्री रुद्र को रुद्र तत्व की, श्री इंद्र को इंद्र तत्व की और श्री गणेश जी को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप भगवान शिव और देवी शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें, फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपिपुटी भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ट के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। वह सर्व गंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर उनके दक्षिण भाग में अगरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विस्तृत पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब ओर से काले अगरु और गुग्गुल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र वाले निवेदन करें।
धृत मिश्रित खीर का भोग लगाए, घी के दीपक जलाकर रखें, मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें, भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए अक्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय लें। इस प्रकार पांच गंधमय शिवलिंग की नित्य अर्चना करते रहें, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत संवर्तों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमको इसका वर्णन करना चाहिए। जिस किसी को भी अपना उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके श्री उपमन्यु ने कहा, हे यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो भगवान शिव के स्थान भूत जल अग्नि सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमो शिवाय। अध्याय 33 व 36। योग के अनेक भेद, उनके 8 और 6 अंगों का विचेचन, यम नियम आसन प्राणायाम, दशविध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैं ध्यान पूर्वक सुन चुका हूँ। अब मैं अधिकार अंग विधि और प्रायोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का कोई ऐसा साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान उनका कारण करके उसके उपयुक्त समय का साधन तथा उनके भेदों का तारतम्य क्या है। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, तुम यह सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिनकी दूसरी वृत्तियों का विरोध हो गया हो, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है, मंत्र योग, स्पर्श योग और भव योग, अभाव योग और माह योग। मंत्र जाप के अभ्यास वश मंत्र के वाचार्थ में स्थित हुए विक्षेप रहित जो मन की आवृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भव योग कहलाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व के रूप मंत्र का अवलय विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद वस्तु का भी भान नहीं होता, जिसमें एकमात्र उपाधि शून्य शिव भाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमय हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परालौकिक विषयों की ओर से जिनका मन विरक्त हो गया हो, उसी का भोग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और परालौकिक दोनों विषयों में दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त हो जाता है। प्राय सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम नियम स्वास्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इन्हें पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवगामों में विशेषता है, कामिक आदि में योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सत्य पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त हैं।
सोच संतोष तप जप स्वाध्याय।